बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था आई कनेक्ट टीम के द्वारा और बहुत मज़ा आया। मल्टीपल इवेंट्स थी, मल्टीपल राउंड्स में जैसे सिलेक्शन हुआ, जैसे पहले राउंड में हमें विस्पर करना था और उसके बाद उससे एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद दूसरे राउंड में जो डूडल था उसमें जैसे हमें कुछ क्विज की तरह थी, हमें पेपर पे लिखना था कि उसका क्या सॉल्यूशन है, आंसर इन वन वर्ड, तो उससे फिर एलिमिनेशन होकर हम थर्ड राउंड में पहुँचे और थर्ड राउंड में उसके बाद दोबारा से क्विजेस थी और सब क्विज में बहुत मज़ा आया। थर्ड राउंड की क्विज के बाद वैसे तो तीन सेलेक्ट होने थे पर फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट हो गए और थर्ड नंबर पे तीन बंदे क्वालिफाई हो गए, तो उसके लिए एक रोल प्ले किया गया। रोल प्ले में जैसे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा थीम पर रोल प्ले हुआ, तो उसमें जैसे मुझे पोपटलाल बनाया था तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस था और बाकी मेरे साथियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। आज की सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सी होगी? एक्टिविटीज़ तो लगभग सारी बेस्ट थी कि मतलब नई चीज़ें सीखने को मिली आज, जैसे कि पहले जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं कभी भी हमने की नहीं थी, ना तो स्कूल में और कॉलेज में भी सेकंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर में भी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी। और जैसे कि मैं थोड़ा शाई पर्सन हूँ तो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके मेरे को थोड़ा खुलने का मौका मिला कि अभी जैसे रोल प्ले किया था हमने तो उस रोल प्ले में भी मतलब थोड़ा शाही था लेकिन उसकी वजह से लोगों के सामने आ पाया और उनके सामने परफॉर्म किया और जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ और बहुत अच्छा लगा। अगर आपको आज मौका दिया जाए कि आप दोबारा किसी एक्टिविटी को रिपीट करना चाहते हैं आज की किसी एक्टिविटी में से, तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, क्यों? तीनों एक्टिविटी अच्छी थी, अगर तीनों एक्टिविटी अच्छी थी, मुझे तीनों ही अच्छे लगे और क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को कवर कर रहे थे। एक में जैसे मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे भी एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, तो आखिरी जो टाइम देखकर उसके बाद रोल प्ले करने को मिला तो मुझे थोड़ा खुलने का थोड़ा मौका मिला, एनवायरनमेंट मिला मुझे। फिर मेमोरी जिसमें वो वर्ड्स याद रखने थे और फिर रिपीट करना था न्यू वर्ड को जोड़ते हुए, तो उसमें भी फिर मेमोरी का पोर्शन हिट होता है उसमें, और फिर इमेज प्रोसेस करके हमें वो वर्ड लिखना था एज फास्ट एज पॉसिबल, तो उसमें भी आपकी वो रिसेप्टर्स बहुत तेज होने चाहिए, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो डिफरेंट।